हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, आप सभी जैसा जानते हैं कि आजकल देश का कैसा माहौल चल रहा है, सभी से ये अपील करती हूँ कि अपने घर में रहिए, जिससे स्वयं को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, क्योंकि हमारा एकमात्र बचाव यही है। चलिए, आज से मैं ऑनलाइन टेट की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो लोग अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं और वे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे अपनी क्लास को बेहतर बनाई जा सके, और आपसे कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स करके आप कमेंट बॉक्स में उनको दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगते हो कि ये यानी सी टेट में आ सकते हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उनको हम अपनी अगली क्लास में ले करके आएंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हैं शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को। पहला ऑप्शन है, बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिससे जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तीसरा है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? तो पहला है ऑप्शन, याद करना या प्रत्यास्मरण और सुनाना। दूसरा है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चौथा, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तर सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा है, अपनी रुचि से। चौथा, पुरस्कार के लिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा अपनी रुचि से, जब बच्चे अपनी रुचि से करते हैं तो वो अच्छा गतिविधि करते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा फिर डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है परेशानी, दूसरा समस्या, तीसरा है संसाधन, चौथा बाधा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संसाधन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। पहला ऑप्शन है, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। तीसरा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चौथा, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट दिया हुआ है, उसके बाद है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसमें क्या होगा? पहला है स्किनर, दूसरा है पावलोव, तीसरा यूंग, चौथा पियाजे। तो जो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पियाजे। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। पहला है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला क्वेश्चन है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दूसरा है कोई भी सहायता न देकर। तीसरा है जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर। और चौथा ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो पहला ऑप्शन है अच्छा है, दूसरा है क्योंकि, सॉरी, पहला अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, दूसरा एक प्रभावी आकलन युक्ति है, तीसरा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, चौथा ऑप्शन है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, पहला ऑप्शन है बेहतर होता है, दूसरा स्थिर रहता है, तीसरा अवनत होता है, चौथा समान रहता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक खाली जगह दी हुई है नमूने का अनुगमन करती है। तो पहला एड़ी से चोटी, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा प्रत्याशित और चौथा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, दूसरा सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, तीसरा विकास एकल आयामी है, चौथा विकास पृथक होता है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, चौथा है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, दूसरा रोमांचकारी, तीसरा मुख्य, चौथा गौण। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, तीसरा है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला क्वेश्चन, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह खाली जगह दी हुई है की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो पहला ऑप्शन है प्रतीकात्मक विचार को
दूसरा अहम केंद्रित विचिंतन को, तीसरा कार्य कारण को, चौथा विपर्य चिंतन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कार्य कारण को। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, खाली जगह हुई दी हुई है, में भिन्न होता है बजाय के। तो पहला ऑप्शन है मात्रा प्रकार, दूसरा है आकार मूर्त परकता, और तीसरा है प्रकार व मात्रा, और चौथा है आकार किस्म। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसको आप लोग डबल स्टार में लगाए हो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला क्वेश्चन अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, चौथा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा परिपक्व होने से, तीसरा अनुकरण से, चौथा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा है शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा नैतिक विकास के चरण। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? पहला एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, दूसरा एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, तीसरा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, चौथा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला क्वेश्चन बुद्धि है। पहला है समार्थियों का एक समुच्चय, दूसरा एक अकेला और जाति विचार, तीसरा दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, चौथा एक विशिष्ट योग्यता। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 समार्थियों का समुच्चय। अगला क्वेश्चन भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो इसमें होगा पहला ऑप्शन कम महत्वपूर्ण, दूसरा ऑप्शन अमहत्वपूर्ण, तीसरा अति संवेदनशील, चौथा निरपेक्ष। तो जिसका राइट आंसर होगा अति संवेदनशील, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। अगला क्वेश्चन है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। पहला ऑप्शन है जाति भेदभाव का परिचायक है, दूसरा है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तीसरा लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, चौथा लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है आकलन। पहला ऑप्शन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, दूसरा है बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, तीसरा सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, चौथा सीखने में सुधार का एक तरीका है।
तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। दूसरा, यह एक विश्वास है कि एक कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। तीसरा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चौथा, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, दूसरा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, तीसरा ऑप्शन है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, चौथा, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निरयोग्यता की पहचान करता है? पहला, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। दूसरा ऑप्शन है, अपमानजनक व्यवहार। तीसरा, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। चौथा, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो पहला ऑप्शन, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। तीसरा, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। चौथा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है, संवेगों से छीण संबंध रखता है। तीसरा, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। चौथा, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।